भैया जी, गुड इवनिंग। आज आपको एक बात बतानी थी भाई। आज के बाद 8 बजे टारगेट की वीडियो नहीं आएगी, अब आएगी सुबह 11 बजे। और एक ही आएगी, वो होगा व्लॉग, पूरा व्लॉग। और उस व्लॉग के अंदर ही मैं आपको बताऊंगा टारगेट के मतलब कल का टारगेट क्या रहेगा या फिर आज का टारगेट क्या रहेगा वो, ठीक है। व्लॉग बनाऊंगा भाई, व्लॉग में क्या होगा वो बता देता हूँ भाई। पहले मैं कितने टाइम से कितने टाइम तक क्या क्या करता हूँ, वो सारी चीज़ें आपके नोट्स बनाना हो। एक क्लास अब मैंने स्टार्ट की और अब मैंने ख़त्म की, मतलब बीच में मैं सारी चीज़ें बताऊंगा आपको। इतने टाइम से इतने टाइम तक मैंने ये क्लास ली, इतने टाइम से इतने टाइम तक मैंने ये क्लास ली, इतने टाइम से इतने टाइम तक मैंने तुम्हारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस बनाए, इतने टाइम से इतने टाइम तक मेरे लिए मैंने एंटो साइनो बनाए, वो सारी चीज़ें, ठीक है भाई। और कल का टारगेट सुन लो, कल 12 तारीख को, आज का टारगेट मैंने नहीं दिया था, वो आपको सबको पता है कि भाई मतलब 20-20 क्वेश्चन करने हैं। कल का टारगेट है, आप एक बार सुन लो। कल का टारगेट क्या है? कल है भाई 13 सितंबर, ठीक है। कल 11 बजे आपका व्लॉग आएगा, उसी के अंदर आपका टारगेट आएगा। 8 बजे अब कोई वीडियो नहीं आएगी, ठीक है। और इससे ना आपको एक मोटिवेशन भी मिलेगा कि एक बंदा मतलब काम कर रहा है तो हम भी काम करें। मेरा मेन मतलब ये है कि आपको एक मतलब अच्छी गाइडलाइन देना, ठीक है, वो उसी वीडियो के अंदर आएगी। एक अच्छा मोटिवेशन देना उसी वीडियो के अंदर होगा, वो सारी चीज़ें। क्योंकि भाई अगर आप अकेले हो, अकेले तैयारी कर रहे हो ना, तो आपको किसी ना किसी आदमी की जरूरत जरूर पड़ेगी, क्योंकि हमें भी पड़ी थी, ठीक है ना। वरना एक अकेला आदमी मेरे हिसाब से भाई इतना बर्डन लेना, इतना सारी चीज़ें करना, वो मेरे हिसाब से नहीं कर सकता। तो मतलब बहुत हार्ड हो जाता है। लेकिन एक आदमी जब उसको दिखता है कि या यूट्यूब पे या फिर किसी भी उसके ऊपर प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो या फिर उसके साथ रहता है, तो उसको पता होता है कि भाई मतलब हाँ ठीक है यार, ये बंदा साथ खड़ा है, तो भाई मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है भाई। टाइम टू टाइम स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बता दूंगा, ठीक है भाई। 13 सितंबर है कल। कल का टारगेट सुन लो, मैथ के अंदर एडवांस और अर्थमेटिक दोनों हमने स्टार्ट कर रखे थे। ये करवा रहा हूँ मैं मेरे नोट्स से भाई, ठीक है। नोट्स जाके चेक कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वेबसाइट से भी आप देख सकते हो, फ्री में कुछ मैंने टॉपिक्स डाल रखे हैं। और टेलीग्राम पे भी, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मस्ट आपके लिए, ठीक है, वहीं पर सारी अपडेट होती हैं। टेलीग्राम के ऊपर आप जाके चेक कर सकते हो, फ्री में मैंने डाल रखे हैं जीके के भी और मैथ के भी, इंग्लिश के भी कुछ टॉपिक्स मैंने डाल रखे हैं, वोकैब भी डाल रखे हैं भाई। तो वहाँ से करवा रहा हूँ मैं। परसेंटेज अपनी स्टार्ट हो रही रखी थी अर्थमेटिक में, 3 शीट अपनी कंप्लीट हो चुकी थी, 4थी सीट हमारी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है, परसेंटेज की। उसके अंदर 36 क्वेश्चन है टोटल, उसमें से आपको 1 से 20 क्वेश्चन आपको कल करने हैं। 4थी सीट में परसेंटेज की 4थ सीट के अंदर आपको 1 से 20 क्वेश्चन करने हैं। अब नंबर सिस्टम, एडवांस में नंबर सिस्टम अपना चल रहा है, उसके अंदर एक शीट, तीसरी शीट के आपने 1 से 20 क्वेश्चन कर लिए होंगे, क्योंकि आज आपका टारगेट नहीं मिला था, वीडियो नहीं बनी थी, तो आपको पता है कि भाई 20-20 क्वेश्चन करने हैं। तो थर्ड शीट के नंबर सिस्टम के आपने 1 से 20 क्वेश्चन कर लिए होंगे, ठीक है। अब फोर्थ जो आपकी शीट है ना, थर्ड शीट है, उसके अंदर 20 से 40 क्वेश्चन करने हैं, 20 टोटल, ठीक है। आपकी नंबर सिस्टम की तीसरी शीट कंप्लीट हो जाएगी, 40 ही क्वेश्चन है बस उसके अंदर। इंग्लिश में भाई जयदीप सर से करवा रहा हूँ, मैथ गगन प्रताप सर से करवा रहा हूँ। इंग्लिश भाई नाउन चल रहा था अपना, 13 आपने याद कर ली होंगी, 14th आपको याद करने हैं नाउन की क्लास, जो मैंने आपको नोट्स दे रखे हैं वो। जिसने परचेज नहीं किया वो परचेज कर सकता है भाई। जीके के अंदर एंशियंट हिस्ट्री 9 क्लास आपको रिविज़न करवा रहा हूँ, रिविज़न करना है आपका ये 9 क्लासेस का। ये करवा रहा हूँ मैं परमार सर से, ठीक है। परमार सर इज़ द बेस्ट इन द जीके, ठीक है। आपने जो आप पेपर चल रहे हैं उनमें देख लिया होगा। तो भाई एंशियंट हिस्ट्री की 9 क्लासेस का कल रिवीजन कर लेना, और फिर आपको परसों से इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। दिक्कत ये होगी भाई, इसके अंदर मैं एक चीज़ इंक्लूड कर दूं भाई, मेरा लैपटॉप है थोड़ा मतलब काम करना छोड़ गया, चलता है नहीं चलता, मैं इसी वजह से मैं वो दूसरा परचेज करने की सोच रहा हूँ, टैब वगैरह, ठीक है। तो भाई इसके अंदर क्या हुआ कि मैंने वो एडिट की, सारी चीज़ें की, वो फोल्डर ही नहीं मिल रहा मेरे को, ना सी ड्राइव में, ना डी ड्राइव में, ना ई ड्राइव में, ठीक है। या शायद तो करप्ट हो चुका है, या फिर पता नहीं कैसे क्या। 70 मैंने कर दिए, और 70 अभी करूँगा तुम्हारे सामने, कल व्लॉग में देख लेना आप, ठीक है। 140 क्वेश्चन करने के बाद फिर हम आपको प्रैक्टिस के दे दूंगा, हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल मिलेंगे आपको, ये मेल के थ्रू मिलेंगे। जिसने जीके के नोट्स परचेज कर रखे हैं, सारों का रिकॉर्ड है मेरे पास, नाम, फ़ोन नंबर, और क्या कहते हैं कि मेल आईडी वगैरह, ठीक है। मेल के ऊपर मैं ये सारे आपको दे दूंगा। अब बात आती है भाई वोकैब की, OWS वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये करवा रहा हूँ भाई मैं खुद के नोट्स से, जो ब्लैक बुक से मैं नोट्स बना रहा हूँ वो ट्रिक्स के साथ। भाई ब्लैक बुक से बाहर कुछ भी नहीं आ रहा, आपने देख भी लिया होगा, और जब आंसर किया आएगी आप देख भी लेना, ब्लैक बुक से बाहर कुछ नहीं आएगा,
ठीक है भाई। अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपने 180 तक याद कर लिए थे और आपको कल करने हैं 180 से लेके 195 तक, ठीक है भाई। पीछे तक के 180 आप रिवीजन कर लेना, 180 से 195 आप 15 ही आपको कल याद करने हैं। इडियम्स एंड फ्रेजेस भाई 165 से 180 तक आपको करने हैं। इडियम्स एंड फ्रेजेस की कोई ट्रिक नहीं होती, ठीक है भाई, ये खुद में एक ट्रिक होती है, ठीक है। 15-15 करवा रहा हूँ इसलिए ताकि आपको पीछे जितना भी याद किया हुआ है वो आप रिवीजन कर सके, क्योंकि बिना रिवीजन भाई वोकैब अधूरी है। आप आगे आगे का याद करते जाओगे, पीछे का आप सगा साफ होता जाएगा, इसलिए है ना वो बार बार कॉल आउट करना बहुत जरूरी है आपके लिए वोकैब। अब एंटोसाइनो भाई मैंने कल डाल, आज मैंने डाले नहीं, ठीक है, पर कोई बात नहीं, अभी मैं बनाऊंगा जो आप कल व्लॉग में देखोगे। 45 से लेके 60 तक, 45 से लेके 60 तक आपको एंटोसाइनो याद करने हैं और 45 तक आपको रिविजन करना है, ठीक है भाई। वोकैब में इतना ही था, रीजनिंग में भाई वही बात है, एक मुक देना है। टेस्ट बुक ऐप का पास परचेज कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उससे परचेज करोगे आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाएगा। और टिल द एग्जाम तक करना है भाई, 50 में से ही आप ये मान लो 45+ आराम से ले आओगे। प्रॉपर एनालिसिस किया करो रीजनिंग के मॉक का और ये सारी चीज़ें आप अच्छे से कर लोगे। तो भाई इतना ही था, कल व्लॉग आएगा और भाई जो मेहनत कर रहा है थैंक यू, मैं उसको थैंक यू इसलिए बोल रहा हूँ ताकि मतलब भाई मतलब मैं उसका रिस्पेक्ट करता हूँ उसकी, ठीक है। और भाई कोई कोई बात नहीं, हर आदमी मेहनत करना जानता है, हर आदमी मेहनत कर सकता है। अगर मैं ये बोलता हूँ कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, तो भाई उसमें क्या ना ये बात है कि मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेहनत करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सीजल कोई बड़ी बात नहीं है कोई भी, बस कंसिस्टेंसी रखना और अपना थोड़ा सा है ना दिन का रूटीन सही फॉलो करना बस, ठीक है। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा इतने घंटे काम करो, इतने घंटे काम करो, मैं आपको सिर्फ टारगेट देता हूँ मेरे लिखे, चाहे वो 12 घंटे में हो, चाहे आप 6 घंटे में कर लो, चाहे आपको सिर्फ आपको फिर उसके लिए 20 घंटे लगे, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है, बस काम पूरा हो जाना चाहिए, मेन बात ये है, ठीक है। डेली का काम डेली रखो, और भी रखते हैं आपके कंपिटिटर हैं, वो आपके कंपिटिटर हैं भैया, वो आपको छोड़ देंगे, ठीक है। और शनिवार रविवार को आपके रिविजन होता है तो उसके अंदर तो कोई दिक्कत नहीं, उसका मैं प्रैक्टिस पेपर भी देता हूँ सारा बना के, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। सीजल बहुत बड़ी तो नहीं है, हो जाएगा, कंसिस्टेंसी रखना, बस खुद के ऊपर विश्वास रखना, और किसी के ऊपर रख सकते हो, मेरे ऊपर या फिर अपने टीचर्स के ऊपर तो रखना, तभी होगा सीजल, वरना भाई फिर वही बात है, विश्वास के ऊपर तो दुनिया टिकी है, ठीक है। विश्वास नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, ये कभी इधर भागना कभी उधर भागना उससे मेरे हिसाब से नहीं हो पाएगा, ठीक। तो थैंक यू, कल मिलते हैं 11 बजे सुबह।